नाज़रीन, ट्रैवलिंग बाय इरफान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर इरफान राजपूत। और आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे और सैर करवाएंगे मज़ार हज़रत सूफ़ी अज़मतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का, जिसके बारे में काफ़ी दोस्तों ने फरमाइश की थी। तो आज के इस व्लॉग में हम उनके हालात ज़िंदगी के बारे में बताएँगे, तो चलिए हमारे साथ। हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद अज़मतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग और रूहानी लीडर थे और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड कर्नल। आप बेटे और मुरीद थे मुमताज़ बुज़ुर्ग आलिम दीन और रूहानियत हज़रत फ़कीर ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नक़ीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के, और बाद में आप रूहानी नक़ीबी सिलसिला आलिया के कायद के ओहदा पर भी फाइज हुए। आप 1 नवंबर सन 1945 को बटल शरीफ ज़िला मानसेरा KPK में पैदा हुए। आपने 1962 में क्वेटा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से मेट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास किया। और इसके बाद इंटरमीडिएट का इम्तिहान इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर से पास किया। आपने शरीयत और सुन्नत की तालीम अपने वालिद और मुर्शद हज़रत सूफ़ी ख्वाजा नक़ीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की। जबकि आपके वालिद मोहतरम एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग और आपके पीरो मुर्शद थे, इसी तरह से आपकी वालदा भी एक बहुत बड़ी सूफिया थी। आपकी वालदा ने बहुत अजीम कुर्बानियाँ दी और अपने बच्चों की तरबियत सुन्नत के मुताबिक की। आपने 1962 में पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया। मिलिट्री एकेडमी से अपनी पेशावराना तरबियत कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद आपने फ्रंटियर फोर्स में खिदमत सर अंजाम दी। फ़ौज में खिदमत के दौरान आपने लेफ्टिनेंट कर्नल का एजाज़ हासिल किया। आपने सोवियत अफ़गान जंग के दौरान खिदमत सर अंजाम दी। $1994 में आपके पीरो मुर्शद सूफ़ी नक़ीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपना जानशीन मुकर्रर किया और उनके विसाल के बाद आप मज़ार और आस्ताना आलिया नक़ीबिया वाक़िया नक़ीबाबाद कसूर के निगरान बन गए। आप रूहानी सिलसिला आलिया नक़ीबिया के मुअज़्ज़ज़ तरीन कायद थे, जिनके दुनिया भर में लाखों मुरीदैन और मानने वाले पाए जाते हैं। आपने मोहब्बत, अमन और नज़्म ज़ब्त का फ़लसफ़ा अपने मानने वालों के सामने पेश किया। के मानने वाले आपको इज़्ज़त व एहतराम और मोहब्बत से याद करते हैं। आप फरमाते थे कि लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला को हर सांस के साथ मुकम्मल जज्बा और तवज्जो के साथ याद रखें। अज़मतुल औलिया सूफ़ी अज़मतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दीन इस्लाम को बहुत सादा और वाज़ेह तरीक़ा से बयान फरमाते थे। नाज़रीन, उनके मरीदैन उनके साथ रूहानी ताल्लुक़ के बारे में बताते हैं। आपके इर्शादात मुरीदैन की रूहानी तरबियत और रहनुमाई करते, जिससे कि वह रूह की तस्कीन और ताल्लुक़ हासिल करते और बताते कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और हमें दुनिया में रहकर क्या हासिल करना है और हम कैसे अपनी मंजिल को पा सकते हैं। सूफ़ी अज़मतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के भी रुकन थे। नाज़रीन, आस्ताना आलिया नक़ीबिया पर सूफ़ी अज़मतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह ने लंगर को एक मजहबी फ़रीज़ा के तौर पर लिया। आस्ताना आलिया नक़ीबिया पर जिस लंगर से ज़ायरीन की खिदमत की जाती है उसका नाम शाही लंगर रखा गया है, जिसका मतलब है कि लंगर की खुराक का म्यार बादशाहों की खुराक जैसा होता है। आस्ताना आलिया पर लंगर का बहुत ही वसी इंतज़ाम होता है। हर 27 तारीख को पाकिस्तान से ज़ायरीन और मरीदैन आस्ताना आलिया नक़ीबाबाद कसूर तशरीफ़ लाते हैं और इसे नाम दिया गया है 27वीं शरीफ का। 27वीं पर मरीदैन दरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं, हमदोनात की महफिलें सजती हैं, कुरान और हदीस की तालीम और ज़िक्र और ख़त्म शरीफ का इनकाद किया जाता है। इसके अलावा हर 27वीं शब पर महफिल समा भी होती है, जिसमें मुरीदैन याद इलाही में और खौफ खुदा से तड़प उठते हैं और झूम जाते हैं। 26 सितंबर सन 2016 को गुर्दों के आर्जे की वजह से आप बरतानिया में अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस तरह से शरीयत व तरीक़त और रूहानियत का दरख्शां सितारा ग़ुरूब हुआ। और आपको आपके वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।